नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे सी टेट एग्जाम 2020 के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों इन प्रश्नों के माध्यम से आपने हिंदी भाषा के अंदर जो पैडागोजी के प्रश्न आते हैं उनको देख सकते हैं, परख सकते हैं और अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पर हमने 25 प्रश्न शामिल किए हैं और सीटेट के अंदर जो है 15 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं यदि आप सीटेट एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आपको थोड़ा ज़्यादा उपलब्ध हो जाए इसलिए हमने 25 प्रश्न इसमें शामिल कर लिए हैं। तो चलिए और देखते हैं आज के हिंदी पैडागोजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों से आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो आप अपने उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वो कहलाता है। तो जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है हम क्या कहते हैं? विकल्प आपके लिए शिक्षण पाठ्यक्रम अधिगम समायोजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है उन्हें हम कहते हैं पाठ्यक्रम, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न में से है। अब मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर डी है इनमें से सभी। तो बिल्कुल यहाँ हम कह सकते हैं कि मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत में ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन सी होगी? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, बी है संघीय भाषा या सा संघीय भाषा, और ऑप्शन सी है विदेशी भाषा, डी है ए और बी दोनों। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं और इसमें हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ संघीय भाषा सह संघीय भाषा भी शामिल होती है, तो विकल्प ए और बी जो होंगे दोनों सही हैं, इसके लिए हमें विकल्प डी का चयन करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएँ पढ़वाई जाती है जिससे वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? वाचन विधि, प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि या फिर डी है भाषा संसर्ग विधि। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो विधि जो होती है वो होती है भाषा संसर्ग विधि, जिसमें छात्र छात्राओं को उत्तम लेखों की रचनाएं पढ़वाई जाती है। चलिए ऑप्शन डी हुआ यहाँ इसके लिए सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रुतलेख अभ्यास विधि उपयुक्त है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, डिग्री कक्षाओं के लिए या इन सब के लिए? तो श्रुतलेख जो होता है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है और इन्हीं के लिए ये उपयुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण के किस विधि में किया जाता है? तो देखिए अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीख रहा है, तो इस सिद्धांत का उपयोग शिक्षण की अनुकरणात्मक विधि में ही किया जाता है, तो यहाँ इसके लिए ऑप्शन ए जो होगा ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी गई है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, सी है उच्च कक्षाओं के लिए और ऑप्शन डी है इन सभी के लिए। तो दल शिक्षण विधि जो होती है वो इन सभी के लिए लागू कर सकते हैं और इन सभी के लिए ये उपयुक्त भी मानी गई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्धोतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? पाठ्यपुस्तक को, श्याम पट्ट को, रेखा चित्र को या फिर हम कह सकते हैं चित्र को? तो देखिए भाषा शिक्षण की परंपरागत उद्धोतन सामग्री के रूप में जो परंपरागत रूप से चली आ रही है और वो सहायक सामग्री होती है हमारी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या फिर छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, सी है छात्रों का वर्गीकरण के लिए और डी है छात्रों की प्रगति की जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाचन में आदर्श वाचन कौन करता है? तो शिक्षक ही आदर्श वाचन करते हैं, तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी अध्यापक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है, आयोजित शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए,
व्याकरणिक नियम संबंधी, साहित्यिक पक्ष संबंधी, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी यड्डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी के लिए शिक्षक, हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि व्याकरण भी जरूरी होती है, साहित्यिक पक्ष और अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी भी। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए, वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है। प्रश्नोत्तर विधि, तुलना विधि, शब्दार्थ विधि या फिर डी है व्याख्या प्रणाली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्णात्मक कविता के शिक्षण की सही विधि होगी उसकी शब्दार्थ प्रणाली। तो ऑप्शन सी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना के प्रश्नों के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? पूर्व ज्ञान उपयोग, रोचकता एवं जिज्ञासा, परस्पर तारतम्यता और डी है नकारात्मक उत्तर। तो प्राथमिक कक्षा शिक्षण के प्रस्तावना के प्रश्नों के लिए आवश्यक जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन डी नकारात्मक उत्तर, क्योंकि नकारात्मक उत्तर जो होती है वो प्रस्तावना के प्रश्नों के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली और रंगमंच प्रणाली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कक्षा अभिनय प्रणाली जो है वो प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रायोजना विधि का महत्व है। अब प्रायोजना विधि का क्या महत्व होता है? इससे अर्जित ज्ञान स्थायी बनता है, इसमें सौदृश्य होता है, इसमें अधिगम सरल, सुबोध और रोचक होता है और डी है उपरोक्त सभी। तो प्रायोजना जिसे हम प्रोजेक्ट पद्धति भी कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसके महत्व हैं और यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा इसके लिए उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना या फिर बी है छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, सी है छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इसमें गद्य शिक्षण का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा वो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार है, निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर या डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं हैं। अब इसकी कौन सी मुख्य क्रियाएं होती है? प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन या फिर डी है ये सभी। तो पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं ये सभी होती हैं, ऑप्शन डी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के लिखित प्रारूप को कहते हैं। तो शिक्षण का जो लिखित प्रारूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, डी है इनमें से कोई नहीं और पी है पाठ योजना। तो देखिए, थोड़े से विकल्प ऊपर नीचे हो चुके हैं। तो यहाँ पर शिक्षण का जो लिखित प्रारूप होता है उसे हम कहते हैं पाठ योजना और ये विकल्प बी था, ये थोड़ा सा नीचे टाइप हो गया है, तो कोई बात नहीं, विकल्प बी पाठ योजना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उद्यतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है। अब देखिए, उद्यतन सामग्री जो मानी जाती है, परंपरागत उद्यतन सामग्री जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं, तो भाषा शिक्षण में उद्यतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य क्या है? शिक्षक में ज्ञान में स्पष्टता लाना या फिर बालकों के भाव को जागृत करना, सी है पाठ्य वस्तु में स्पष्टता लाना और डी है भाषा शिक्षण में योगदान करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालकों के भावों को जागृत या उत्प्रेरित करना जो उद्यतन सामग्री होती है उसका प्रयोग का लक्ष्य होता है बालकों को उत्प्रेरित करना या जागृत करना। चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अब ये जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये कौन से बच्चे के लिए होता है? तो दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, कक्षा स्तर के अनुकूलित प्रगति न करने वाले बालकों के लिए या फिर सी आदिवासी बालकों के लिए, डी सृजनशील बालकों के लिए। तो ये ऑप्शन बी कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। चलिए, ऑप्शन बी होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस विधि में पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांट लेते हैं? तो देखिए, इकाइयों में बांटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, व्याख्या विधि, दल शिक्षण विधि, इकाई विधि या समवाय विधि,
तो इकाई विधि जिसे हम यूनिट के रूप में यहाँ पर पार्ट को छोटे छोटे यूनिट में बांट लेते हैं इकाई विधि, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ के लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को क्या माना गया है? रखवाला, नियंत्रक, माली या डीहन में से कोई नहीं है। तो किंडरगार्टन जो पद्धति होती है ये छोटे बच्चों के लिए होती है और इसमें शिक्षक को माना जाता है माली और बच्चों को छोटे छोटे पौधों के रूप में माना गया है, तो यहाँ पर शिक्षक माली की भूमिका में होते हैं इस पद्धति में। चलिए अगला प्रश्न है, बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है और यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये दिया है फ्रोबेल ने, यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रोबेल इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए है अधिक उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट पद्धति होती है ये छोटी कक्षाओं के बजाय बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ के लिए सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे हिंदी पैडागॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।